हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी, जो कि मैं बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ किसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर आप लोगों के साथ। पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, क्या दिया था, व्हाटएवर। तो चलो आज मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ, या राइट, मैंने नायका हॉल किया था। तो कोई नहीं, जिस प्रोडक्ट का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ वो है एलोवेरा का एलोवेरा नरिशिंग स्किन जेल। मैं भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। एक्चुअली इसको मैंने ना नायका से खरीदा था। अगर आप लोगों ने नायका का हॉल वीडियो देखा है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं इसका रिव्यू क्यों शेयर कर रही हूँ। उस टाइम पे मुझको समझ में नहीं आ रहा था ये किस कंपनी का है। बाद में मैंने देखा ये एलोवेरा का है, एलोवेरा जेल। मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझको लगा ये एलोवेरा है इसलिए। सो कोई नहीं, मैं इसको खरीदा था और इसको मैं यूज कर रही हूँ। एंड नो डाउट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक्चुअली क्या हो रहा है, सनलाइट में बार बार कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बहुत लाइटिंग का फर्क हो रहा है। सो इग्नोर इट गाइस। मैं इसका रिव्यू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको 110 रुपीज में मिलेगा और इसमें 125 ग्राम प्रोडक्ट है। अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है क्योंकि एलोवेरा से उतना तो कोई यूज नहीं करता है, थोड़ा सा ही चाहिए होता है। और इसमें आप लोगों को एलोवेरा जेल 98%, ग्रीन टी 2%, ई बीट 0.3% में मिलेगा। और ये आप लोग नाइट क्रीम, एज अ नाइट क्रीम, एज अ डे क्रीम कभी भी यूज कर सकते हो। अगर आप लोग के फेस पे पिंपल्स हैं और पिंपल फ्री स्किन पाना चाहते हो तो एलोवेरा बहुत अच्छा है आपके लोगों के स्किन के लिए। तो इसको मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी फोकस कर लिया इसमें। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि ग्रीन जो प्रोडक्ट है उसके साथ थोड़ा बीट्स भी दिया गया है, जो कि आप जब मसाज करते हो बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है। मेंथॉल है या क्या है नहीं पता, या राइट विटामिन ई का बेस जाइए, पता नहीं इसमें कुछ दिया गया है एक्स्ट्रा शायद। इसमें बहुत कूलिंग इफेक्ट लगता है, स्किन में बहुत अच्छा फील आता है। मैं इसको एज अ नाइट क्रीम यूज कर रही हूँ और मैं रात को इसको लगा के सोया था। सुबह के मैंने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश किया, मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मैं इसके बाद नहाऊंगी तब मैं फेस वॉश करती हूँ। अभी मैं नॉर्मल पानी से वॉश किया और आप लोग मेरा स्किन देख सकते हो, मैंने कुछ मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया, ओनली मैंने लिपस्टिक पुट किया है और आप लोग मेरा स्किन देख पा रहे हो। अगर आप चाहते हो मैं अभी इसको यूज करके दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा इसको स्किन पे अप्लाई करने के बाद, सो मैं अपना स्पेक्स कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों से इसका जो वीडियो है वो शेयर करती हूँ। सो गाइस मैं रेडी हूँ, अभी मैं इसका स्किन पे अप्लाई दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले अपना हेयर को थोड़ा सा ईयर के पीछे लगा देती हूँ, अभी इसको मैं यूज करती हूँ। आप लोगों ने देखा कि मैंने कितना थोड़ा सा प्रोडक्ट इसमें लिया है, क्योंकि ज्यादा यूज करने का फायदा कुछ है नहीं। आप थोड़ा सा यूज करोगे तो भी वैसा ही इफेक्ट देगा आप लोगों को। और ये सारा चीज क्या होता है ना, आप लोग यूज ज्यादा करोगे तो भी एक ही रिजल्ट आपको मिलेगा। और भी चीज कर सकते हो, एज अ प्राइमर भी इसको यूज कर सकते हो, कि एज अ प्राइमर बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने इसको एज अ प्राइमर कल यूज किया था, कल दिवाली था और मैंने मेकअप के टाइम पे एज अ प्राइमर इसको यूज किया था, क्योंकि मुझको देखना था कि ये कैसा वर्क करता है। तो ये बहुत अच्छा काम किया एज अ प्राइमर। अभी आप लोग देखो मेरा स्किन को, ये बहुत ज्यादा जल्दी में एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे, कोई चिपचिपाहट नहीं रहता जैसा पतंजलि वगैरह का होता है ना स्किन पे, लगता है कुछ लगाया है इसमें, कुछ भी नहीं लगता वैसा, नॉर्मल बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है इसको यूज करने के बाद। मैं इसका एक पिक्चर आप लोगों को एड ऑन कर दूंगी इस वीडियो के साथ, ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हो। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस पे कॉमेंट कीजिए। मैं सून न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।